तो स्टूडेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग रीड कर रहे थे। काफी सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग अभी ले रहे हैं। 6 भी हो गया था अपना, 6 7 भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8, बुक हो तो आप ओपन करके देख लें, नहीं है तो मैं यहाँ स्क्रूटनी कर रहा हूँ क्वेश्चन की। प्लीज अब बुक बाई कर लें, परचेज करें बुक को। एवरेज नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर एडजस्टमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले। एवरेज प्रॉफिट गिवन है हमको बिफोर एडजस्टमेंट, 4,14,000। और इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 4% से जुड़ा हुआ है। उस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है 98,200, उसका फेस वैल्यू है 1 लाख। तो ये यूं है अपने पास क्वेश्चन में, 4% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है जिसकी फेस वैल्यू 1,50,000 है, उसकी कॉस्ट हमारे पास है 98,200। यहां तक की लाइन की स्क्रूटनी। 6,000 एनुअल बेटा खर्चे जो भविष्य में होने की संभावना नहीं है, एक्सपेंसेस नॉट इनकर्ड, फ्यूचर में नहीं होंगे अपने को 6,000 के। टैक्स की रेट 35% किया जा सकता है, टैक्स अपने को 35% लेना है। एनआरआर बेटा आपको 8% दे रखा है। फॉर्म में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को जोड़ते हुए 22,98,200 है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और करेंट ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, बिफोर टैक्स दे रखा है 4,50,000। क्वेश्चन कह रहा है कि सुपर प्रॉफिट के 3 ईयर के हिसाब से गुडविल निकालो। सुपर प्रॉफिट के 3 ईयर के हिसाब से यहां तक एक क्वेश्चन है, और पूरे फॉर्म की वैल्यू भी निकालो, वैल्यू ऑफ बिजनेस फॉर्म भी निकालना। ये एक नया चीज है जो मैं भी समझाऊंगा अलग से। फिलहाल तो सुपर प्रॉफिट पर गुडविल निकालना है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या था। एवरेज प्रॉफिट था बिफोर एडजस्टमेंट 4,14,000 का, 4% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 98,200, फेस वैल्यू थी 150 की उन इन्वेस्टमेंट की। एक्सपेंसेस 6,000 के फ्यूचर में नहीं होंगे, टैक्स की रेट 35% है, एनआरआर 8% है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को जोड़ते हुए 22,98,200 है, और करेंट ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,50,000 है। ये आपका क्वेश्चन है। चलो सुपर प्रॉफिट पर करना है, वन बाय वन माइंड में बिठाओ। तो कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी करेंगे पहले, एफएमपी निकालेंगे। एफएमपी के लिए टेबल बनाते हैं और फिर एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। बट बेटा अपने पास ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन खुद ही दे रहा है। सबसे पहले 4,14,000 एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, 4,14,000। 6 इफेक्ट आते हैं, 2 खर्चों का, 2 इनकम का, 1 इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का, और 1 ऑनर रेमुनरेशन का। 1 खर्चे का इफेक्ट है बेटा, 6,000 के खर्चे फ्यूचर में नहीं होंगे, खर्चे फ्यूचर में नहीं होंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ऐड कर देंगे। एक्सपेंसेस नॉट इनकर्ड इन फ्यूचर, कोई इनकम का एडजस्टमेंट है नहीं, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जरूर है तो वो लेस होगा बेटा। नॉन
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? देखो 4% के इंटरेस्ट पर है, फेस वैल्यू है 1.5 लाख की, इसकी कॉस्ट है 98,200 की। जिंदगी में हमेशा याद रखो, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की कैलकुलेशन फेस वैल्यू पर होती है, ये हमेशा याद रखो। इंटरेस्ट और डिविडेंड की कैलकुलेशन इज अ कॉमन स्टूडेंट, याद रखो फेस वैल्यू पर कैलकुलेशन, कितने का है फेस वैल्यू वो काम की है, तुमने कितने में खरीदा उससे कोई मतलब नहीं है। फेस वैल्यू उसकी 1.5 लाख की है ना, तो कंपनी से अपने को ब्याज 1.5 लाख पर मिलेगा बेटा। सर फेस वैल्यू बेटा क्वेश्चन में 1 लाख है, फेस वैल्यू 1 लाख है बेटा। तो 1 लाख का 4%, 4,000 लेस करोगे। ओनर रेमुनेशन तो बेटा क्वेश्चन में है नहीं, ये आएगा एफएमपी बिफोर टैक्स। फोर लैख 16,000, इसमें से टैक्स लेस करोगे 35%, वन फोर फाइव सिक्स डबल जीरो। तो ये एफएमपी आफ्टर टैक्स आ जाएगा 2,70,400 बेटा। स्टेप टू में सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, एंड इफ यू रिमेम्बर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब मेरी बात यहां इस क्वेश्चन के लिए ध्यान से सुने वापस से। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है, दे रखी है बेटा 22,98,200, मगर वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को शामिल करते हुए दे रखी है। क्योंकि आपको याद हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं करते हैं, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास है तो सही एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन वो इंक्लूडिंग दे रखी है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्वेंटी टू लैख 98,200। जबकि इंटरेस्ट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं होना चाहिए, सॉरी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं होना चाहिए बेटा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में, तो क्योंकि वो जुड़ा हुआ है ना, तो उसमें से लेस कर देंगे। अब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की लागत थी हमारे लिए 98,200 और उसकी फेस वैल्यू थी 1 लाख। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन फेस वैल्यू पर होगी, लेकिन हमने हमारी बुक्स में तो 98,200 पर दिखा रखा होगा ना, हमने जितने में खरीदा उस पर दिखा रखा होगा, तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड में इसको 98,200 जुड़ा हुआ होगा, तो हम यहाँ जो लेस करेंगे ना बेटा वो 98,200 को लेस करेंगे। तो हमारे लिए जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड काम आएगी वो 22 लाख काम आएगी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8%, तो 8/100 लिख दो या 8% लगा दो, 1,76,000 का नॉर्मल प्रॉफिट। और एफएमपी और नॉर्मल प्रॉफिट आ गया बेटा, तो स्टेप थर्ड में सुपर प्रॉफिट, एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एफएमपी आया था आपका 2,74,00,000, 1,76,000, 94,400। और बेटा ये आ गया, गुडविल निकाल लो,
नंबर ऑफ ईयर परचेज से लेनी है, 3 ईयर परचेज पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट हमारे पास 94,400 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 साल के हिसाब से 283,200 हमारे लिए गुडविल आ जाएगा। कैसे निकाला देखो, पहले तो हमने निकाला एफएमपी, एवरेज प्रॉफिट दे रखा था, खर्चा फ्यूचर में नहीं होने वाला तो उसको जोड़ दिया, इंटरेस्ट ऑन अनअर्न्ड इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू पर काउंट होगा वो लेस कर देंगे, ये बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स लेस करेंगे तो एफएमपी आफ्टर टैक्स आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर करेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा इंटरेस्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को जोड़कर दे रखिए तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लेस कर देंगे, यहाँ कॉस्ट लेस होगी क्योंकि बुक में तो कॉस्ट पर आया होगा, ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, फिर सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, फिर गुडविल कर लिया। इंग्लिश में यहाँ मिसप्रिंट दे रखी है, ध्यान रखना ये प्रॉफिट फोल्ड 41,000 इंग्लिश में लिखे हुए हैं, इसको फोल्ड 14,000 लिख देना, फोल्ड 14,000 लिख देना, हिंदी में तो सही है इंग्लिश में गलत दे रखा है। अब क्वेश्चन एक चीज और पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ बिजनेस फॉर्म निकाल, इसमें और शायद एक क्वेश्चन में और है, वैल्यू ऑफ बिजनेस फॉर्म कैसे निकलती है वो समझ लो। वैल्यू ऑफ बिजनेस फॉर्म फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस गुडविल। जब आप इन चारों चीजों को ऐड करोगे ना, से वैल्यू ऑफ बिजनेस फॉर्म कहेंगे। तो बेटा वैल्यू ऑफ बिजनेस फॉर्म कैसे निकालेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐड करेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे और गुडविल ऐड करेंगे, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस फॉर्म, फॉर्म की पूरी बिजनेस की वैल्यू आ जाएगी। गुडविल आया बेटा हमारे लिए 283,200, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कोष पर लेना हुआ बेटा, बुक में हम लोग कोष पर दिखाते हैं, 98,200 हमारे लिए कोष थी। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो अपन ने निकाली वो क्वेश्चन में थी वो तो गलत थी ना बेटा, ये 22 लाख हमारे लिए कहलाएगी, 22 लाख क्वेश्चन में तो 22 लाख 98,200 थी लेकिन वो गलत थी क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ था, करेक्ट है वो तो 22 लाख कहलाएंगे। अब ये है हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ऐड करना है, करेंट ईयर प्रॉफिट इसलिए क्वेश्चन में दे रखा है आपको आखिरी आखिरी में, करेंट ईयर का प्रॉफिट, ये वैल्यू ऑफ बिजनेस फॉर्म निकालने के लिए दे रखा है, करेंट ईयर प्रॉफिट बेटा टैक्स से पहले का 4.5 लाख, तो समझो प्रॉफिट है बेटा हमारे लिए 4,50,000 बिफोर टैक्स, इसमें से ना पहले लेस करो बेटा टैक्स 35%, ऐसा नहीं साइड में लिख लेना आप, फोर लैख 50,000 का 35% ये इसमें से लेस करोगे ना बेटा तो 2,92,500 आएगा, इसका हाफ अपने को यहां ऐड कर वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालने के लिए, बस तो ये ऐड कर लो 22,98,200,283,200 वैल्यू ऑफ बिजनेस फॉर्म 27,27,650, 27,27,650 हमारे बिजनेस की वैल्यू आ जाएगी। ये क्यों निकाला है सर, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन में आखिरी आखिरी में लिखा हुआ था बिजनेस की वैल्यू निकालो, तो ये आ गई हमारी,
अगेन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज बुक ले आओ, लेट मत हो ना, वेट करो अननेसेसरी का। तो बेटा ये ना आप लोगों के लिए वैल्यू ऑफ बिजनेस फॉर्म आ जाएगी। कैसे निकालते हैं वापस से समझ लो। एवरेज चार चीजें लेते हैं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट। एक्चुअली एवरेज में करेंट ईयर तुमको याद है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट लेस करते हैं तो एवरेज आती है। टेक्निकली वैल्यू ऑफ बिजनेस फॉर्म के लिए क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। क्लोजिंग कैसे बनेगी, क्लोजिंग में से हाफ लेस करते हैं तो एवरेज आती है, तो एवरेज में हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वापस एड कर दूंगा ना, ये तो हो गई क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। समझे क्या क्या हो गया बेटा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और गुडविल और जोड़ दोगे तो ये वैल्यू ऑफ बिजनेस फॉर्म हमारे लिए आ जाएगी। तो आप अगर नोट नहीं कराओ तो स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, ये तो आपका एफएमपी। आराम से क्वेश्चन देखने के बाद स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बोले इजीली नोट कर लें। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट एंड गुडविल दोनों ही हो गया, और ये आपका वैल्यू ऑफ बिजनेस फॉर्म हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, छोटे बेटर का क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। नीचे जो इंफॉर्मेशन दे रखी ना उससे आपको ये प्रूव करके बताना है कि आपका एनआरआर 15% है या नहीं है। ये बताना है कि एनआरआर 15% है या नहीं। तुम्हारे पास पांच चीजें, छह चीजें, सन्ड्री एसेट्स है, करेंट लाइबिलिटीज है, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रिसीडिंग फोर ईयर, पिछले चार साल का एवरेज नेट प्रॉफिट है, एवरेज नेट कैपिटल एम्प्लॉयड है, प्रोप्राइटर एनुअल रेम्यूनरेशन है, नोट चार्ज टू एनुअल प्रॉफिट दे रखा है, गुडविल वैल्यू एट फोर ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट पर गुडविल की वैल्यू दे रखी है चार ईयर के हिसाब से 50,000। तुम्हें ये पता करना है कि तुम्हारा एनआरआर 15% है या नहीं है। देखो उल्टा क्वेश्चन लेना है, अब तक एनआरआर वगैरह होते थे तो गुडविल निकालते थे, गुडविल दे रखी है तो ये उल्टा क्वेश्चन होगा। देखो गुडविल का फॉर्मूला लगा होगा सुपर प्रॉफिट के फोर ईयर परचेज के हिसाब से, तो सुपर प्रॉफिट इनटू फोर ईयर ये लगा होगा ना, फोर ईयर परचेज के हिसाब से ये गुडविल मुझे 50,000 दे रखी है, इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू फोर। बेटा मैं सुपर प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, ये फोर डिवाइड में आ जाएगा, फिफ्टी थाउजेंड डिवाइड बाई फोर, 12,500 मेरे पास सुपर प्रॉफिट आया। और सुपर प्रॉफिट आया मेरे पास, अब समझना, तुम्हें याद हो तो टेक्निकली सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, FMP माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आया मेरे पास 12,500 FMP और FMP बेटा एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है क्वेश्चन में, वही FMP हुआ 1,02,500 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ये नॉर्मल प्रॉफिट माइनस के इधर ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट 1,02,500 प्लस का 12,500 उधर ले आओ तो माइनस का 12,500 हो जाएगा, ये आ गया 90,000 नॉर्मल प्रॉफिट, 90,000 आ गया। तो अब सोचो टेक्निकली नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे लिए बनता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। नॉर्मल प्रॉफिट 90,000 है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है 9 लाख, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा 9 लाख इंटू एनआरआर निकल जाएगा। ये एनआरआर निकालना है ना तो इंटू के 9 लाख बेटा नीचे आ जाएंगे, ये 90 मत ले आना नीचे, एनआरआर इंटू में है ना तो उसके साथ जो चीज है वो नीचे जाएगी, तो एनआरआर आएगा 90,000 अपॉन 9 लाख, 9 लाख अपॉन 90,000 मत कर देना,
एनआरआर के साथ 9 लाख मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटा, वो नीचे जाएगा, 0.1 आ जाएगा। और अपने को परसेंटेज में चाहिए ना बेटा, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बना लो, ये रेशियो में आ गई, तो 0.1 इंटू 100 कर दो, 10%। तो नीचे हम लिख देंगे नोट, हमारे लिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर बेटा 15% नहीं है, 10% होगी। क्वेश्चन तो कह रहा क्या 15% है क्या, हम कह रहे नहीं 15% नहीं है हमारे लिए, 10% हमारे लिए। पहले गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला रखकर सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला रखकर नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला रखकर एनआरआर हम लोग निकालेंगे। तो देखो अब तक हमारे लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर फोर्थ हो गया, 1 से 4 हो गए, 6 से 8 हो गए, 10, 11, 12 कर चुके हैं, 13 भी कर चुके हैं, और एक शायद 16 अपने कर लिया है। काफी सारे क्वेश्चन हो गए, रिमेनिंग और हैं, 2-3 दिन में ये कर चैप्टर फिनिश करेंगे। प्रॉपर नोटबुक बनाते चलना बेटा आप लोग, रिमेनिंग क्वेश्चंस कल शुरू करते।